गुड मॉर्निंग, सब बज रहे हैं अराउंड 5:19 एंड मैं जा रही हूँ एक डे ट्रैक के लिए। मैं गई हूँ 4-5, सो आज बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। हेल्थ के लिए बैंड बजी पड़ी है, बट दैट्स द मेन रीज़न आई रियली वांट टू गो। आ गई मेरी सवारी, सो एक और पिकअप। जो भी है, बताओ क्या बताने। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि बैंगलोर के जो अलग अलग डायरेक्शंस है, राइट, इफ़ यू गो टुवर्ड्स तुमकुर साइड तो वो तेरे सेमी रॉकी वेजिटेशन टाइप का एरिया रह जाता है, जहाँ पे तेरे मोनोलिथ तो नहीं है उतने बड़े वाले, बट व्हाट यू गेट इज नाइस प्लेटो वाला, प्लस उसके अलावा थोड़ा बहुत ग्रासी लैंड। व्हेन यू गो टुवर्ड्स नंदी हिल्स वो प्रॉपर ग्रास लैंड और वो सब वाले ट्रैक्स रहते हैं, सो व्हेन यू रीच टू द टॉप तो तेरे को आसपास ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगी। The moment is shift towards Ramnagar wala, there you get all the rocky mountains. वहाँ पर सारे monoliths और ये सब वगैरह काफ़ी famous है, right? तो वो mountains अलग रहते हैं क्योंकि पत्थरों में you don't get grass at all, right? So वो थोड़ा अलग रहता है। So every direction where you go, and then there comes this Kolar wala. Kolar is more again green vegetations और mining बहुत है यहाँ पे, तो you get pretty scenic, not so good, not promoting mining, but वो वहाँ पर काफी अच्छे कटआउट्स है बेसिकली जो रॉक माउंटेन्स है। छोटा लद्दाख वहीं आता है, द वन व्हिच इज वेरी फेमस। छोटा लद्दाख ही क्या है, वो माइनिंग कर करके उन लोगों ने पूरा पहाड़ काट दिया है, तो इट लुक्स लाइक हाउ लद्दाख का टेरेन है। सीरियसली? एग्जैक्टली, ये मैंने पहली बार सुना है। यहां से 35-40 किलोमीटर ही है, बट टाइम चले चल सकते हैं, वी हैव बीन देयर। ये तो मैंने पहली बार सुना। So it's not a hiking area, but they call it Chota Ladakh क्योंकि वो बीच में एक lake है, side में उन लोगों ने mining करके पूरे rocks को white boulders का वो पूरा एक look आ जाता है, जैसा you usually get that in Leh Ladakh side पे। आज हम नंदी हिल्स की तरफ जा रहे हैं ना? Today we are going towards नंदी हिल वाला, ये green vegetation वगैरह ज़्यादा रहेगा, so you'll be walking through the ऊपर शायद कुछ एक वो कुछ एक temple है, temple है ना शिवजी का? Yeah, so temple is there which is not like a fully constructed temple, but वो पत्थर को उन लोगों ने carve करके या फिर structure था cave जैसा, तो उसको उन लोगों ने convert किया हुआ है temple पे, but we are going beyond that actually, उससे about 900 meters और आगे। अच्छा, supposed to be forts पहले के। कितने ट्रैक्स होंगे यहाँ पे बैंगलोर में? देयर इज नो काउंट, जैसे ये वाला दिस इज नॉट काउंटेड एज अ ऑफिशियल ट्रैक, बट ये इट्स वन ऑफ द यू नो इंडिया हाइक्स और इन लोगों ने बनाए हुए हैक्स है ये बेसिकली। अच्छा, तो इफ यू गो विद दैट आई थिंक ऑलमोस्ट 100 प्लस। सो ये है अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर इन दोदाबल्लपुर, जहाँ मैं गई थी अपने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ। रियली स्लीपी, बट अब हम रुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, सम नॉर्मल प्लेस, वील हैव सम इडली एंड कॉफी है, सो वी आर टेकन इडली, बट देर इज नो स्पून, सो गोइंग टू ट्राई एंड टॉमी भी आ रहा है तुम्हारे कैमरा में। ही वांट्स टू गेट इनटू दैट, ही इज लाइक वे टू एक्साइटेड। फ्रूट है? फ्रूट है, वुड एप्पल। इसे हिंदी में बेल भी बोलते हैं, जिसका शरबत भी बनता है। अच्छा, टेस्ट के लिए सब के ऐसे पहुंच नहीं है जैसे। देखो, अरे ये अभिषेक को लेके आओ ना, ये किस लिए हमारा सेल्फी स्टिक कॉम्प्लेन बॉय हाथ से ही तोड़ दियो। अरे जामुन तोड़, बढ़िया खट्टा है। सो अराउंड 2 किलोमीटर्स हुए हैं अभी, अभी तक तो इट्स प्रीटी बेसिक, एकदम नॉर्मल रास्ता है। लुक्स लाइक और भी ट्रैकर्स आए हुए हैं यहाँ पे, पीएसएन की लीडरशिप किसके हाथ में है, वहाँ पे जाना है। द वेदर इज जस्ट परफेक्ट, आपको इसके लिए कोई टिकट या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट मेंटेन्ड और प्राइवेट, नो टिकट, इट्स मोर लाइक एन ओपन ट्रैक एंड आस पास पूरा फार्म लैंड। जैसे मैं गूगल मैप्स पे देख रही थी, ऑल ऑफ दिस आर लाइक फार्म लैंड। डेनिम जैकेट, इट्स नॉट अबाउट ठंड एंड ऑल, बट आप जब ट्रैवल करते हो ना ट्रैक्स पे, तो ऐसे आप देख रहे हो सिर्फ थॉर्नी बुशेज और ये कांटे वांटे आपको बहुत मिलते हैं, तो व्हाट दिस हेल्प्स बिकॉज दिस इज डेनिम, वो पोक नहीं करता है, बट अगर क्लॉथ मटेरियल होगा तो वो बहुत पोक करता है, तो इसलिए आप मेरे मोस्टली हर ट्रैक वीडियो में देखोगे आई एम वेयरिंग अ डेनिम जैकेट। दिस इज़ जस्ट लाइक अ पर्सनल हैक, ऐसा कोई है नहीं।
वो क्या है? वही पुराने जमाने में कुछ सुंदर लग रहा है। क्या पुजारी वुजारी रहता होगा उस मंदिर का? हाँ वो हो सकता है, लेकिन इतना थोड़ी अप डाउन करता होगा रोज। ये ज्यादा रीजनेबल लग रहा है, पुजारी रहता होगा। ज्यादा दिन यहाँ कोई भूतिया आत्मा आती है रात को रहने। अशोक आगे मूव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? थोड़ा रास्ता खो गए हैं, बिकॉज कोई ट्रेलिंग्स नहीं है यहाँ पे, कुछ मार्किंग्स नहीं है। लेट्स सी, तो यहाँ से जा झुक के, झुक उठना मत बस। नहीं उठो एकदम, मतलब जब तक बाहर ना निकले ना उठना नहीं, क्योंकि यहीं पे झुक 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 हुआ क्या, वही गड़बड़ है, झुक। आओ आओ उसकी हाइट ही पेड़ के बराबर है। यार ये बहुत इंक्लाइंड है, एकदम 90 डिग्री आ गया यहाँ पे तो। बहुत बढ़िया हो गया, कैमरे को वो कर दे, पॉकेट या कहीं ना दे दे। हम पहुंच गए हैं टॉप पर, नॉट टेक्निकली टॉप बट दिस इज ऑलमोस्ट द टॉप, एंड लुक एट द व्यू, इट्स अमेजिंग अमेजिंग, वेदर परफेक्ट है, आई एम लविंग इट। सो और ऊपर रास्ता में दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, एंड वी आर गेटिंग लेट। पहले मैं बहुत पर्टिकुलर होती थी कि टॉप पर जाना है, बट अब विद टाइम यू रियलाइज कि इट्स अबाउट द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन, क्योंकि कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं के मज़े लेते हैं। अब हम जा रहे हैं, एंड आई हैव बोरोड दिस ग्लव्स फ्रॉम अ कलीग, तो ग्लव्स डेफिनेटली पहनकर आइए इफ यू कैन, इफ यू नॉट आई मीन गेट इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पे ना हर जगह पे बहुत थॉर्न्स है, लाइक इफ यू सी ये एंड इफ यू सी द बुशेज एंड ऑल, लाइक अगर हम इसको पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, बिकॉज तो एवरी वेयर इट्स मतलब बहुत ज़्यादा कांटे हैं एंड बहुत ज़्यादा थॉर्न्स है, तो चढ़ने उतरने में डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, सो दिस इज़ हेल्पिंग अलॉट, सो मस्ट मस्ट कैरी। आई थिंक हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं नीचे, बट दिस लुक्स लाइक अ बेटर वे। यहाँ पे एक मंदिर है और उसकी मान्यता है कि वहाँ जो मांगो मिल जाता है, जिसके लिए लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, और वहाँ पे हर मंडे पंडित जी 3.5 किलोमीटर्स दूर से आते हैं पूजा करने। फन बात यह है कि आप शायद जिस रास्ते से ट्रैक करके जाएंगे आप उससे शायद नीचे ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत ऑप्शन कह रहा है, मंदिर के आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पर भी दो तीन ऐसे छोटे वाले आते हैं जो कि सीजनल है। इसमें पानी आएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। कैसा लगा आपको ट्रैक? आई थिंक दिस वाज वर्थ कॉलिंग अ प्रॉपर ट्रैक। ओके, डिफिकल्ट एस्पेशली द जाते समय, हां, द राइट अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज, इट वाज गुड, एटलीस्ट फॉर मी दिस वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट वंस दैट आई डन। अच्छा, डिड यू एंजॉय? सर्टेनली यस। बेस्ट पार्ट क्या था? Best part was when we were not really finding the path. ये देख 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 देख। वो ट्रैक हुआ। बड़ा पत्थर दिख रहा है ना, वो अब खाली बैठने की जगह दिख रही है। वी हैव स्टार्टेड क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर एक्चुअली। सो ट्रैक इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट एज आई सेड, आई डोंट रिकमेंड इट फॉर किड्स, क्योंकि बहुत कांटे हैं, रास्ता वास्ता बिल्कुल बना हुआ नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली फन, एंड ग्रुप में आइए, बहुत मज़ा आएगा।
वेदर तो बैंगलोर तो परफेक्ट है बहुत ज़्यादा. आई थिंक बेसिक आप चीज़ें कैरी करिए, कैप, सनग्लासेस, वाटर, सम स्नैक्स. हमें लगे अराउंड 4 hours अप एंड डाउन, सो 4 to 4.5 hours आप लगा लो अप एंड डाउन. अगर आप आराम से स्पीड में जा रहे हो, डेफिनेटली आप इसको और कम स्पीड में कर सकते हो, बट दिस इज़ लाइक अ गुड स्पीड. हम तो कम इन द मॉर्निंग, इट्स अ गुड ऑप्शन. क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है, नो वन इज़ हियर. एंड नीचे पार्किंग की भी जगह मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड रास्ते बिल्कुल बने हुए नहीं हैं, तो वे गुड शूज. सो ट्रैक ख़त्म. एक्चुअली हम इस रास्ते से स्ट्रेट गए थे, बट अगर आप जा रहे हो तो इस रास्ते से जाओ, लेफ्ट वन. रिमेंबर दिस इज़ द राइट वे एंड द ईजियर वन ऑल्सो, जहाँ पे वो रास्ते भी बने हुए हैं. सो लेफ्ट, नॉट द स्ट्रेट. ट्रैक ख़त्म एंड वी आर पैक्ड.